आज स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन देखने से पहले इसका लीगल पार्ट देख लेते हैं। तो हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोविजन इन डीड। पहला सवाल, क्या प्रोविजन है? अगर नहीं, नो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। अगर प्रोविजन्स है, यस दिया हुआ है, तो अगला सवाल आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट, क्या इसको चार्ज माना है या अप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा क्या मानना है? अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन के केस में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा अप टू अवेलेबल प्रॉफिट्स, ठीक है, अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हो नहीं सकता। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना है तो ये पूरा का पूरा अलाउड होगा, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इवन इफ देर इज अ लॉस। चाहे लॉस ही क्यों नहीं हो, पूरा अलाउड होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज माना है तो ये किस में जाएगा? आपका पीएनएल अकाउंट में। और अप्रोप्रिएशन माना है तो किस में जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब कुछ केसेस की हेल्प से इसको देखते हैं। जैसे आपको केस, फर्स्ट केस, चार्ज के केस में प्रॉफिट्स अवेलेबल है आपको 110 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है आपको 100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 100 कैलकुलेट कर लिया, अज्यूम कर लिया कैलकुलेटेड है, तो अलाउ कितना होगा इस केस में? 100, और आपके इंडिविजुअल प्रॉफिट कितने बचेंगे? 10। केस नंबर टू, अगर प्रॉफिट 100 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100, तो 100 अलाउड होगा, प्रॉफिट कितने बचेंगे? 0। अगर आपके प्रॉफिट्स हैं 80 तो चार्ज है तो ये तो पूरा का पूरा देना पड़ेगा, तो इससे प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका लॉस आ जाएगा 20 का। इस केस में लॉस है, ये तो देना पड़ेगा आपको, तो लॉस कितने हो जाएंगे आपके? 120। 20 तो ऑलरेडी पहले से लॉस है और 100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, और ये तो लॉस है ही। अब देखते हैं अगर अप्रोप्रिएशन होगा तो क्या होगा। अगर 110 है, 100 अलाउड, 10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 अलाउड, प्रॉफिट बचा आपका 0, 80, तो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो कितना होगा? 80, और प्रॉफिट कितने बचेंगे? 0। इसमें लॉस है तो लॉस के केस में क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा प्रॉफिट, और आपका लॉस 20 रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से आपका लॉस इंक्रीज नहीं हो सकता अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन माना गया तो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3। एक्स और वाई पार्टनर है, इनका 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। एक्स की कैपिटल है 2 लाख, वाई की कैपिटल है 1 लाख, और हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है इन अल्टरनेटिव केसेस में। तो 6 केस दिए हुए हैं हमारे को, इन 6 केसेस में हमें जनरल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करनी है। तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट केस, तो केस नंबर 1 देखते हैं। आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और प्रॉफिट दिए हुए 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने इनका कैलकुलेट करके रख लिया, एक्स और वाई का। एक्स का 2 लाख का 6% 12,000, वाई का 6,000, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है आपको? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और प्रॉफिट दिए हुए 20,000। तो डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं आपको, तो सीधी प्रॉफिट बांटने की एंट्री करेंगे। तो पीएनएल टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन फर्स्ट एंट्री, और अब बांटने की पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू एक्स टू वाई कैपिटल। किसमें? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 में बांट देंगे इसको, तो कितना जाएगा? 8,000, 12,000। अब देखते हैं अगला केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में दिया हुआ है डीड में प्रोविजन है आपका, डीड में प्रोविजन है 6% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा ये नहीं बताया गया, तो क्या मानेंगे? और प्रॉफिट्स गिवन है आपके 15,000। केस डीड इंटरेस्ट पर एनम,
यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेंगे। अब देखते हैं केस टू, केस टू में क्या दिया हुआ है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, 6% पर एनम, और लॉस दिया हुआ है आपको 15,000। तो डीड में तो प्रोविजन है इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसको चार्ज माने या अप्रोप्रिएशन, इसके बारे में साइलेंट है। तो जब साइलेंट है तो क्या मानना है हमें, अप्रोप्रिएशन। और इस केस में क्या है, लॉस। तो लॉस के केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि अप्रोप्रिएशन माना है हमने इसको। तो पहली एंड, तो इस केस में क्या होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एक्स वाई टू पी एन एल अकाउंट, 15,000 लॉस है। एक्स किस में, 2:3 में, ये आ जाएगा आपका 6,000 9,000। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, केस थ्री देखते हैं। केस थ्री में क्या दिया हुआ है आपको, आपको पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है 6% पर एनम, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे इसके बारे में बताया नहीं, तो इसको क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएशन। और प्रॉफिट्स गिवन है आपको 21,000। तो इस बार प्रॉफिट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, कि इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट करके रख दिया है, एक्स का 12,000 वाई का 6,000। तो जनरल एंट्री, फर्स्ट एंट्री पी एन एल अकाउंट टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2x टू वाई कैपिटल अकाउंट 18,000 12,000 एक्स का 6,000 वाई का। अब इसको ट्रांसफर करने की, पी एन एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स बांटने की, तो प्रॉफिट कितने बचे, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ था 21,000 और डेबिट हो गया 18, तो कितना डिफरेंस बचा, 3,000। तो 3,000 बांट देंगे पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2x 2y, किस में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो क्या दिया हुआ है, 2:3। तो ये आ जाएगा आपका 1,200 1,800। अब देखते हैं केस फोर, ठीक है, अब देखते हैं केस फोर। केस फोर में दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया गया, चार्ज, और आपके प्रॉफिट गिवन है 20,000। तो अगर चार्ज मानेंगे तो पूरा का पूरा अलाउड होगा, और किस में जाएगा, पी एन एल अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स टू वाई कितना, 12,000 6,000 18,000। सेकंड, इसको ट्रांसफर करेंगे किस में, पी एन एल में, क्योंकि चार्ज है, पी एन एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपके प्रॉफिट्स कितने बच गए, प्रॉफिट 20 थे और ये चार्ज 18, तो कितने बचे, 2,000। इसको डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में, तो ये 2,000 पहले ट्रांसफर होंगे पी एन एल अकाउंट डेबिट टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन, और अब पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,000 2x 2y 2:3 या जाएगा आपका 800 और 1,200। अब देखते हैं केस नंबर फाइव, पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन दिया हुआ है 6% पर एनम, और इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना है, चार्ज, और प्रॉफिट गिवन है आपको 2,000। तो इस केस में पूरा मिलेगा क्योंकि चार्ज माना है। तो पहली दो एंट्री हैं तो
फोर्थ केस की तरह ही होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की और पीएनएल में ट्रांसफर की। और अब पार्टनर्स को इसकी वजह से क्या होगा, आपका अभी प्रॉफिट क्रेडिट है पीएनएल और ये डेबिट हो गया आपका, तो दोनों का डिफरेंस 16,000 का क्या आ गया आपको लॉस, क्योंकि लॉस तो 18 का हुआ लेकिन 2,000 का प्रॉफिट है, तो नेट लॉस कितना हुआ 16,000, तो 16,000 डिवाइड हो जाएगा एक्स और वाई में, एक्स वाई टू पीएनएल अकाउंट। बताया था लॉस के केस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, पीएनएल अकाउंट बनेगा, तो ये 16,000 बांट देंगे इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:3 के अंदर, तो ये आ गया आपका 6,400, 9,600, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट केस, सिक्स्थ केस नंबर 6। अब देखते हैं केस सिक्स में क्या दिया हुआ है, चार जमाना है इसको और इस बार प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको 18,000, तो पहली दूसरी एंट्री तो सेम होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, और ये कितना है आपका 18,000 और प्रॉफिट भी 18,000, तो कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ प्रॉफिट नहीं बटेगा, बस ये दो ही एंट्री होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, ए एंड बी कंट्रीब्यूट्स 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल विच दे एग्री टू पे इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ए और बी पार्टनर्स हैं और इनकी कैपिटल है 4 लाख 2 लाख जिन पे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम, ठीक है। देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:3 and the profit before interest, आपके profit before interest for the year given है आपको 30,000, show the relevant account to allocate interest on capital, interest on capital को allocate करने के लिए relevant account बनाने हैं। Case number 1, if partnership deed is silent about treatment of interest on capital or if interest is charged as per partnership deed। तो इसमें फर्स्ट केस में बताया कि अगर डीड साइलेंट हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो हमें मालूम है डीड साइलेंट हो तो उसे अप्रोप्रिएशन मानेंगे, और सेकंड केस में चार्ज दिया हुआ है तो उसे पीएनएल अप्रोप्रिएट चार्ज मानेंगे, तो उसे पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। तो हमें मालूम है केस 1, जब डीड साइलेंट है तो उसको क्या मानेंगे अप्रोप्रिएशन, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और जब डीड में चार्ज दिया हुआ है तो पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। तो देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट, केस 1, डीड इज साइलेंट तो क्या मानेंगे अप्रोप्रिएशन, और बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st जो भी होगा आपका, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन है आपको 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा, तो वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना आएगा 4 लाख इंटू 6%
24,000, बी का 2 लाख इंटू 6% 12,000, 6,000 और इनकर अब प्रॉफिट्स हमारे को गिवन है 30,000, जबकि अप्रोप्रिएशन है 36,000। तो हमें पता है जब अप्रोप्रिएशन मानते हैं तो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा दे नहीं सकते, तो इसको क्लेम के रेशो में बांटेंगे। तो इनका क्लेम का रेशो क्या बन रहा है, 2:1। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 30,000 इंटू 2/3, बी 30,000 इंटू 1/3 10,000 20,000 30,000। अब देखते हैं केस 2, अगर डीड में क्या माना है इसको, चार्ज, डीड में क्या माना है इसको, चार्ज। तो उस केस में क्या बनेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर। प्रॉफिट आपको गिवन है और जब चार्ज माना है तो आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो 24,000, 12,000, 36,000, तो ये साइड आ गई आपके 36, और आपके अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं 30, तो आपको 6,000 का लॉस हो जाएगा। ज़्यादा दे दिया चार्ज में तो पूरा देना पड़ेगा, चाहे लॉस ही हो जाए, तो इसकी वजह से लॉस होगा, तो लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू ए टू बी 6,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 2:3 2/5 6,000 इंटू 3/5 तो ये आ गया आपका 2,400 और ये 3,600। ठीक है, अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि हमें मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर। कभी कभी आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स भी दे दी जाती है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखते हैं। ये आपका ईयर 1/4/2000, मैंने एक एग्जाम्पल बना लिया है, 1/4/2017 से ईयर स्टार्ट हो रहा है, आपका ईयर एंड हो रहा है 31/3/2018 को। आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 1 लाख, और 1 जुलाई 2017 को इसने कैपिटल लगाई 10,000 एडिशनल कैपिटल, और 1 अक्टूबर को 10,000 इसने विड्रॉ कर ली। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो ओपनिंग कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको एंड तक, 12 मंथ्स, फिर एडिशनल कैपिटल पे आपको जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ, और ड्राइंग्स पर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट हम अक्टूबर से लेके मार्च 6 मंथ। अब देखते हैं कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख ओपनिंग कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख इंटू 12% इंटू 12/12 12,000, एडिशनल कैपिटल 10,000 इंटू 12% इंटू कितने महीने, 9 महीने 9/12, ये आ गया आपका 900। इसमें से ड्राइंग्स लेस कर देंगे, ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, ड्राइंग्स ये कितनी है, ये भी 10,000 इंटू 12% इंटू 6/12 600, तो ये आ गया आपका 12,300। इसी को हम अल्टरनेटिव तरीके से भी कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव तरीके से, अल्टरनेटिवली
एक दूसरा तरीका ओपनिंग, एक लाख, एक लाख आपके इंटू 12%, ये कितने टाइम तक एक लाख रहे आपके? 3 महीने, अप्रैल से जुलाई। इसके बाद कितने हो गए ये? 1,10,000 इंटू 12% इंटू ये कितने रहे? ये भी 3 महीने, 3/12। इसके बाद अक्टूबर में पैसे निकाल लिए तो कितने हो गए? 1,00,000 इंटू कितने टाइम तक रहे? 6 मंथ्स। इसमें आपको लेस नहीं करना पड़ेगा, इसमें सीधा सीधा देखेंगे कि कितना रहा, बढ़ गया घट गया, उस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि बाद में लेस करना है, ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, इसमें एरर के चांसेस कम होंगे आपके। तो ये आ गए आपके 3,000, 3,300, 6,000, 12,300, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, इसमें एरर के चांसेस कम होंगे, तो ये मेथड थोड़ा बढ़िया है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल पर। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग एंट्री कब करते हैं? ईयर एंड में, ठीक है। अब ये ओपनिंग कैपिटल कौन सी लेंगे? हमें पता है दो मेथड होते हैं कैपिटल के, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा क्या मानना है? फ्लक्चुएटिंग ही मानना है। इसमें दो अकाउंट बनते हैं आपके, मालूम है आपको, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। इसमें एक ही बनता है आपका, कैपिटल अकाउंट। तो अगर कंक्लूसिव लैंग्वेज में कहें तो हमेशा हमेशा ओपनिंग कैपिटल कौन सा अकाउंट का लेना है? कैपिटल अकाउंट का लेना है, करंट अकाउंट को देखना ही नहीं है हमारे को, ठीक है। तो करंट अकाउंट तो इसी में होता है, इसमें तो कोई करंट होता ही नहीं है, कैपिटल ही होता है, तो हमेशा कैपिटल अकाउंट का लेना है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है आपका? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, आउट ऑफ कैपिटल, टू बैलेंस, सीडी, इसमें सिर्फ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आएगी। ये मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका अच्छी तरह से। खाली ड्रॉइंग्स दी हुई हो तो वो क्या होगी? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, वो करंट अकाउंट में जाएगी। तो इसमें हम ये वाला बैलेंस लेंगे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, कौन से? कैपिटल अकाउंट से। और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे सपोज ड्रॉइंग्स आपकी 100 है और क्लोजिंग कैपिटल आपकी है 1000, तो ये कितना हो गया? 1100। तो दोनों साइड बराबर होगी और ये दिया हुआ आपको 500, तो ओपनिंग ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी 600। अगर क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो उसे नील मानेंगे, उस केस में क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल ही तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल होगा, ठीक है। ये साइड बराबर ये साइड होती है, ये कुछ है ही नहीं नील, तो यही 1100 आएगा बैलेंसिंग फिगर। इसी को अगर टेबुलेटेड फॉर्म में देखें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ओपनिंग कैपिटल वही किया, ये दोनों ऐड कर लिए, इसमें से लेस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो कैपिटल अकाउंट कैसे, कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड के केस में। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा आपका?
बाई बैलेंस बीडी, ये तो हमें निकालना ही है, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। इसमें सारा मिक्स कर देते हैं, बाई एडिशनल कैपिटल, बाई सैलरी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई कमीशन, बाई पीएनएल, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, टू ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, टू ड्राइंग्स प्रॉफिट, सारी ड्राइंग्स आएंगी इसमें कैपिटल, क्योंकि इसमें कोई बनता ही नहीं है, एक ही अकाउंट बनता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से कैलकुलेट होती है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है आपकी। तो क्वेश्चन में अकाउंट बना करके हम निकाल लेंगे कैपिटल अकाउंट, जो जो फिगर दी हुई है वो डाल देंगे, जो नहीं दी उसे निल मान लेंगे, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। इसी को अगर टेबुलेटेड फॉर्म में देखें तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर देखें तो कैसे होगा, ये पूरी साइड ऐड कर लेंगे, वो लेस कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शेयर इन लॉस, और उधर के आइटम माइनस कर देंगे, माइनस शेयर इन प्रॉफिट्स माइनस कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एडिशनल कैपिटल, तो ये आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। तो इसी को हम टेबुलेटेड फॉर्म में भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा आप अकाउंट बना के करें। इसमें एडलेस में कन्फ्यूजन कभी हो सकता है अगर आप रट्टा मारते हो, तो इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, अकाउंट में तो जो चीज़ जहाँ आती है वहीं आएगी। तो ये बढ़ने वाली चीज़ है, जिससे फ़ायदा होगा वो क्रेडिट होगी, जिससे लॉस होगा पार्टनर को वो डेबिट्स में आएंगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ए और बी पार्टनर्स हैं इन ए बिजनेस एंड देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ए की दी हुई है 7 लाख और बी की दी हुई है 6 लाख रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ड्रॉइंग्स दे रखी है ए और बी फॉर द ईयर इज 75,000 50,000। ए की ड्राइंग से 75,000 और बी की ड्राइंग से 50,000। बी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। बी 1 लाख एडिशनल कैपिटल लेके आता है। आगे दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी वर 15,000 एंड 10,000। ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया है पार्टनर्स पे, ए पे 7,500 और बी पे 5,000। ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ईच 1 लाख दोनों को प्रॉफिट क्रेडिट किया है। और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो देखते हैं अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, क्लोजिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है इसकी 7 लाख और 6 लाख। फिर क्या करते हैं, ऐड
ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी गिवन है? ड्राइंग्स है 75,000 और 50,000 बी की, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है 7,500 और 5,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000 और 10,000। लेस शेयर इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कितने दिए हैं आपको? 1,00,000 ईच। लेस एडिशनल कैपिटल, बी ने लगाए हैं 1,00,000 ड्यूरिंग द ईयर, बी ने इंट्रोड्यूस किए थे 1,00,000, तो ये एडजस्टमेंट कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये आ गई आपकी 6,67,500 और बी की आ गई आपकी 4,45,000। ठीक है, इसी को अगर कैपिटल अकाउंट बना के देखें, तो मैंने फॉर्मेट बना लिया, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको 7,00,000, 6,00,000। ड्राइंग्स गिवन है आपको 75,000 और 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था आपका 7,500 और 5,000। आपको प्रॉफिट था 1,00,000 ईच। एडिशनल कैपिटल बी लाया था 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया था 15,000 और 10,000। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर से। इस साइड का देखते हैं टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपका 7,82,500 और ये 6,55,000। तो ये भी 7,82,500, 6,55,000। इसमें से ये लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से यही आ जाएगा 6,67,500, 4,45,000। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन में सारा डाटा सेम है जो पिछले क्वेश्चन में था, सिर्फ इस केस में क्या दिया हुआ है, शेयर ऑफ लॉस। इस केस में लॉस दिया हुआ है आपको, लॉस दिया हुआ है 20,000 ईच, दोनों में लॉस डिवाइड हुआ है। अब की बार केस किसका है, लॉस का। तो इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल देख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ दिया हुआ है इसमें लॉस, इसमें 20,000 लॉस क्रेडिट हुआ है दोनों को प्रॉफिट की जगह। तो इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा आपका, प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट से चलें तो बाकी सारा डाटा वही है, तो लॉस आपका है 20,000। तो इस साइड का टोटल आ गया आपका 7,82,500, इधर 6,75,000, 7,82,500, 6,75,000। इसमें से ये डिडक्ट करेंगे तो ये आ गया आपका 7,87,500, 5,65,500। इसी को अगर टेबुलेटेड फॉर्म में करें तो चेंज आ जाएगा आपका शेयर इन लॉस, प्रॉफिट मैंने हटा दिया है, 20,000, तो ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 7,87,500 और ये आपका 5,65,000। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म,
देयर कैपिटल हैज ऑन 1 अप्रैल 2017 वर 2,50,000, 1,50,000। तो रमेश और नरेश पार्टनर्स हैं फर्म में और इनकी कैपिटल कितनी दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई 2,50,000 और 1,50,000 फर्स्ट अप्रैल को। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के इक्वल है। ऑन 1 जुलाई 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। 1 जुलाई को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल क्या होगी, 2 लाख होगी, दोनों की 2 लाख रहेगी। जिसकी ज़्यादा है वो निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा, जिसकी कम है वो लेके आ जाएगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 8% पर एनम। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपका ईयर 1/4/17, 31/3/18, 1 जुलाई 2017 यहाँ डिसाइड किया इन्होंने 2 लाख होगी कैपिटल। तो रमेश की कितनी है, 250, और नरेश की कितनी है, 150। तो रमेश क्या करेगा, रमेश तो विड्रॉ कर लेगा 5,000 और ये लेके आ जाएगा। ये विड्रॉ करेगा 50,000 और ये लेके आएगा, ताकि 1 जुलाई को, यानी 1 जुलाई के बाद दोनों की कैपिटल कितनी रहेगी, 2 लाख। तो अप्रैल से जुलाई यानी जून 3 मंथ्स और ये 9 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रमेश का 2,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12 और 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12। तो ये आ गया आपका 5,000 और ये आपका 12, तो टोटल हो गया 17,000। ये कब से कब तक, 1/4/17 to 30 June और ये 1/7/17 to 31/3/18 मार्च तक 9 महीने। इसी तरह से अगर नरेश का देखें तो नरेश का 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12 3,000 और 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12 12,000। टोटल आपका 15,000। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ईयर एंड बैलेंस शीट दी हुई है आपको। संडी असेट दिया हुआ 2,10,000, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल दे रखी है 90,000, 80,000 और रिजर्व दिए हुए 40,000। और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एक्स ड्राइंग वर 10,000 एंड वाई ड्राइंग्स वर 30,000। एक्स की ड्राइंग है 10,000 और वाई की ड्राइंग्स दे रखी है 30,000 और प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 60,000 और इस प्रॉफिट्स में से 40,000 आपने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किए हैं और बैलेंस्ड प्रॉफिट जो है वो बांटा है। आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये है, ट्रांसफर टू जनरल करेंट ईयर का जो प्रॉफिट है इसमें से 40,000 ट्रांसफर किया है, यानी बटा नहीं है, अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे बैलेंस शीट में, यानी कि बटा कितना है 20,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है दोनों का बराबर, तो दोनों में कितना गया है 10,000। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एक्स वाई क्लोजिंग कैपिटल 90,000, 80,000,
ड्राइंग्स ऐड करेंगे 10,000, 30,000 लेस शेयर इन प्रॉफिट्स। शेयर इन प्रॉफिट्स कितना, 60,000 आपका प्रॉफिट था, इसमें से 40,000 जनरल रिजर्व में रख लिया आपने, तो 20,000 बांटा है और 1/2 बराबर बराबर हाफ हाफ 20,000 का 10, तो ये आ गई आपकी 90,000 और ये 1,00,000। इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, तो 90,000 इंटू 5% 4,500, 1,00,000 इंटू 5% 5,000। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट था वो ये था आपका, ये पॉइंट शेयर इन प्रॉफिट्स।